प्रतिमा मौत का पर्दाफाश। करनाल एक गांव हरसिंहपुरा से 24 नवंबर 2022 को उसी गांव की एक 55 साल महिला राजवंती अपने घर से कहीं गायब हो गई। पुलिस अब राजवंती की गुमशुदगी के मामले की जांच कर रही थी, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल रहा था। वो अपने घर में ही किसी को बताए बगैर कहीं चली गई थी। इस सिलसिले में घर वालों ने घरौंदा थाने में रिपोर्ट लिखवाई थी। महिला की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, किसी से कोई शिकायत परेशानी नहीं थी, अचानक कहाँ गई ये राज बना हुआ था। ऐसे में अब गुमशुदगी की इस रहस्यमय मामले की जांच CIA स्टाफ के हवाले कर दी गई। इस बीच पुलिस का ध्यान एक अजीब इत्तेफाक पर गया। इत्तेफाक ये था कि जिस रोज से राजवंती देवी गायब थी, उसी रोज उसी गांव में एक लड़की की एक दर्दनाक हादसे में मौत हो गई थी। 25 साल की इस लड़की का नाम अंतिमा था। अंतिमा अपने ही घर में करंट लगने और झुलसने की वजह से मारी गई। ये वारदात तब हुई जब लड़की की घरवाली बाहर थे। जब घरवाली लौटी तो बेटी की लाश देखकर सन रह गए। वैसे तो लाश की हालत ऐसी थी कि उन्हें अपनी बेटी को पहचानना मुश्किल हो रहा था, लेकिन कपड़े और ज्वेलरी ये गवाही दे रहे थे कि अंतिमा की ही लाश है। अब घर वालों ने भरे मन से अपनी बेटी की लाश का अंतिम संस्कार किया। अब पुलिस ने दोनों मामलों की जांच साथ में करने का फैसला किया। पता चला कि अंतिमा की मौत को हादसा मानकर ही इस मामले में घर वालों ने अंतिम संस्कार कर दिया था। उसकी मौत की कोई जांच नहीं हुई थी। ऐसे में CIA स्टाफ ने अंतिमा की मौत के बारे में पता करना शुरू किया। अंतिमा की मौत के बाद पुलिस ने उसके सोशल मीडिया अकाउंट की पड़ताल की और इस कोशिश में उसे चौंकाने वाली बात पता चली। उसका सोशल मीडिया अकाउंट एक्टिव था और लोकेशन उत्तर प्रदेश के सामली गांव की थी। जब CIA स्टाफ की टीम करनाल पहुंची और उसने सीधे उस जगह पर दबिश दी जहां पर लोकेशन शो हो रहा था, पुलिस को शक तो था ही, शक सही निकला। वहां अंतिमा मिल गई। वो अंतिमा की 4 महीने पहले अपने ही घर में शॉर्ट सर्किट करंट और जलने से मारी गई थी। जाहिर है अंतिमा जिंदा थी, तो फिर सवाल ये है कि मरी कौन थी? जवाब है, मरी थी अंतिमा के गांव में रहने वाली 55 साल की महिला राजवंती देवी। पुलिस ने सिकंजे में आई अंतिमा ने बताया कि उसका सामली के एक लड़की से फेसबुक पर अफेयर था, लेकिन घर वाले इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थे। ऐसे में वो अपने मौत दिखाकर अपने आशिक के साथ सुकून की जिंदगी जीना चाहती थी। प्लानिंग उसने पहले ही तैयार कर रखी थी, बस उसे मौके का इंतजार था। इत्तेफाक से 24 नवंबर को उसके घर वाले कहीं बाहर गए थे और मौका पाकर उसने अपने पड़ोस में रहने वाली राजवंती देवी को बुला लिया। इसके बाद उन्हें पानी में नींद की गोली मिलाकर दे दी। जब राजवंती गोली खाने की वजह से बेहोश हो गई तो पहले उसने राजवंती का गला घोटा, फिर करंट लगाया और फिर अपने कपड़े पहनाकर आखिरकार उसकी लाश जला दी ताकि उसकी पहचान ना हो सके। इसके बाद वो अपने प्रेमी के साथ भाग गई और उसके साथ शादी कर सामली में ही रह रही थी, लेकिन अब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और साथ ही राजवंती देवी की मौत के राज भी का भी पर्दाफाश हो गया। ऐसी ही रहस्यमय ही स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना, जिससे हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले सिर्फ आपको ही मिलेगी।